नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दीपावली पर मिट्टी के दिए से दूसरे के घरों को रोशन करने वाले कुम्हारों के खुद के जीवन में आज अंधेरा है। प्रकाश पर्व दीपावली में दिया बनाने वाले कुम्हार महंगाई और आर्थिक तंगी के चलते मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तेज गति से चलते चाक पर मिट्टी रखकर अपने हुनर से उसे आकार देने वाले कुम्हार इन दिनों तंगहाली के दौर से गुजर रहे हैं। दीपावली का त्योहार ही इन कुम्हारों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है, लेकिन दीपावली पर अब मिट्टी के दीयों का क्रेज लगातार घटता जा रहा है। ऐसे में आमदनी होने के बजाय कुम्हारों के लिए दीपावली परेशानी का सबब बन गई है। इनके हालात कैसे सुधरेंगे, इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। दीपक तले अंधेरा, ये उक्ति मिट्टी के दीपक बनाने वाले कुम्हारों पर सही बैठती है। दीपावली पर दूसरों के घर में उजाला करने वाले कुम्हारों की दीपावली पर अंधेरे का साया है। देखिए एक रिपोर्ट। दीपावली पर मिट्टी के दीयों से दूसरों के घरों में रोशनी करने वाले कुम्हारों के खुद के जीवन में आज अंधेरा पसर गया है। प्रकाश के पर्व दीपावली में दिया बनाने वाले कुम्हार महंगाई और आर्थिक तंगी के चलते मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तेज गति से चलते चाक पर मिट्टी रख कर अपने हुनर से उसे आकार देने वाले पलामू के कुम्हार इन दिनों तंग हाली से गुजर रहे हैं। दीपावली का त्योहार ही इन कुम्हारों की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया होता है, लेकिन दीपावली पर अब मिट्टी के दीयों का क्रेज लगातार घट रहा है। ऐसे में आमदनी होने के बजाय कुम्हारों के लिए दीपावली परेशानी का सबब बन गई है। मिट्टी, पानी, रंग और मेहनत मिलाकर खर्चा खूब हो जाता है, लेकिन बिक्री नहीं होने से सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बाबू घूम रहे हैं, सरकार मेरा यहाँ का जनता मर रहा है, और क्या बोले हम उनको, तो हवाई जहाज से फुर्सत नहीं है, हम लोग का ठेलो नहीं मिल रहा है, और क्या बोले। इसकी कहाँ बिक्री है, यह पूजा पाठ करने के लिए दो चार पांच छोले जाता है आदमी, अब इसके बाद में बंद सब, तो झालर बत्ती से काम चला रहा है, परिवार नहीं चल पा रहा है, धंधा कुछ नहीं चल रहा है, तो बुझा रहा है कुछ दिन में हम लोग लाइन पर जाकर सो जाएंगे, ऐसा हो गया है नौबत। राशन भी बंद हो गया, सब चीज बंद हो गया, महंगाई इसमें है, हम लोग अब शरीर है, काम करिए नहीं रहा है। कुम्हार कई पुश्तों से यही काम करते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ दिए पर भी असर पड़ा है। इस आधुनिक समय में लोग दिए को भूलते जा रहे हैं। मिट्टी के दिए की जगह मोमबत्ती और बिजली की बत्तियों ने ले ली है, लिहाजा मिट्टी के दीपक की बिक्री बहुत कम हो गई है, जिसके चलते कुम्हार लगातार आर्थिक तंगी और मुफलिसी का शिकार बन रहे हैं। कोई और दूसरा काम नहीं होने के कारण मजबूरी में उन्हें ये काम ढोना पड़ रहा है। मार्केट में आ गया, उसके आने से हम लोग के मार्केट धंधे खत्म हो गया, यही नहीं कहना चैनल के समान, उसलिए हम लोग का दिया बाती का बेची के खत्म हो गया है, कोई नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग कैसे धंधा चला रहे, उसको चलाना है ना, तो आप लेबे ना कीजिएगा, वो लेबे ना कीजिएगा, तो कुम्हार बना कैसे देता, लेकिन तकित रहेगा।
दीपावली हमारी परंपराओं का त्योहार है। माना कि पटाखे हमारी ऐतिहासिक परंपरा नहीं है, लेकिन मिट्टी के दीपक तो हमारे संस्कारों में शुमार हैं। उनसे मुंह कैसे मोड़ा जा सकता है? न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है कि इस बार दीपावली पर हम मिट्टी के दियों का इस्तेमाल करने का संकल्प लें, ताकि दीपक तले अंधेरे की युक्ति बदल जाए और कुम्हारों की जिंदगी में उजियारा लौटे। पलामू से राजीव रंजन की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो वाकई में जो कुम्हार हैं वो इन दिनों तंगहाली की स्थिति में पहुंचे हुए हैं। चलिए इस पर चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजीव रंजन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पहले उनसे जान लेते हैं कि आखिर स्थिति क्या है। राजीव, कुम्हारों की इतनी बदतर स्थिति है, सबसे अहम सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपनी परंपरागत चीजों से दूर क्यों जा रहे हैं? हाँ अर्षित, मैं बिल्कुल बता दूं कि पलामू जिले के कुम्हारों के साथ दीपावली आते ही मिट्टी के दिए से दूसरों के घरों में रोशन करने वाले मिट्टी के जादूगर आज खुद का जीवन अंधेरे में महसूस कर रहे हैं। प्रकाश का फन दीपावली में दिया बनाने वाले ये लाचार कुम्हार आज महंगाई और आर्थिक तंगी के कारण दिवस और जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए, इनकी मान इनके मन में ये रहता है कि इस पर दीपावली में उनके दिए की बिक्री ज्यादा होगी, ताकि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से हो सके, पर हर साल इनकी ये सोच धरी की धरी रह जाती है। लेकिन जब मैं इन कुम्हारों से मिला तो बड़ा ही भावुक मन से सरकार को पूछने लगे और बोले कि अगर ये यही लाचारी रही तो हम आत्महत्या तक कर लेंगे, हम मजबूर हो जाएंगे। देखिए अभिषेक, जिस प्रकार से बाजार में चाइनीज लाइटों का आ जाने से इन कुम्हारों के सामने रोजी रोटी की संकट आ गए हैं, सरकार को चाहिए कि चाइनीज लाइटों पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाए और लोगों को भी परंपरागत जो दिए से जो दीपावली मनाई जानी चाहिए वो उन पर बिल्कुल ख्याल रखिए और उस पर बिल्कुल जोर दें। तो ऐसे में राजीव एक और चीज जानना चाहेंगे, क्या कुम्हारों के लिए जो भी वो सामान बनाते हैं मिट्टी से उसके लिए बाजार उपलब्ध है? जी बेशक, वो क्या करते हैं, बाजार उपलब्ध तो नहीं है कहीं, ये वो अपने लाचार हैं, लेकिन गरीब होते हैं कि वो अपने घर के सामने ही ये मिट्टी के जो बर्तन दिए होते हैं वो लगाते बैठे रहते हैं, ताकि कोई खरीदार आए और उनसे खरीदारी करे। इक्का दुक्का जो लोग आते हैं जो खरीदारी करते हैं पूजा पाठ के नाम पर। जी अभिषेक, राजीव मैं आपके पास आता हूं। फिलहाल हमारे साथ राजू प्रजापति जी कुम्हार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जुड़ गए हैं। राजू जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद सर। राजू जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी दयनीय स्थिति कुम्हारों की क्यों हो गई है पलामू में, या यूं कहें कि झारखंड और पूरे देश में ही ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? ऐसा है सर कि आज की जो स्थिति है इसमें आज आधुनिक जो लाइट है हमारे चाइनीज लाइट जो खास करके विशेष रूप से है, आज हमारे देश के लोग जो है जो चकाचौंध के जो जो दुनिया है लाइट के जो ये इसमें आसान होते हैं और इसको लोग लाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जोड़ देते हैं, सोचते ही कि हमारा जो घर के रोशनी होते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारी प्राचीन परंपराएं आज भी दीपक में है, दीपक को ही शुद्ध मानते हैं और इन्हीं सब बिजली के जो लाइट आ जाने से दीपक की बिक्री और इससे कुम्हारों की स्थिति में तो मैंने खासा असर पड़ा है। आज तो हम ये कहना चाहेंगे यदि हमारे जो लाइट जो है यदि इस सब अगर सरकार इस पर ध्यान दे, इस पर कुछ कमी अगर आती है तो निश्चित रूप से दीपावली के सीजन में या अन्य त्योहारों में हमारे मिट्टी के बर्तन और दिए के उपयोग अधिक से अधिक हो। और हम ये कहना चाहेंगे बता रहे हैं कि सिर्फ कि लोगों से अपील भी करना चाहेंगे कि इस दीपावली में खास करके सभी लोगों से कि मिट्टी के दिए ज्यादा दिए। जी राजू जी मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त हमारे साथ प्रिंस अजवानी जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी के तौर पे कार्य कर रहे हैं। प्रिंस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार सर। जिस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं कुम्हारों की बदतर स्थिति हो गई है, चाहे वो चाइनीज लाइट आ जाने की वजह से हो या उन्हें बाजार नहीं मिल रहा ताकि वो अपने हाथों का जो करिश्मा दिखाते हैं चाक पर हाथ घुमाकर उसे वो बेच सकें जी, तो क्या इस तरीके की स्थिति आखिर क्यों? देखिए ये जो स्थिति है, मैं पहले इसकी यूटिलिटी के बारे में बता दूं कुम्हार के, कि आज के 21वीं सदी में
कुम्हार जो बना रहा है उसे कहाँ अपनी रोजी रोटी का उपाय मिल सकता है। आज आप कोई भी बड़े रिजॉर्ट में जाइए ऑल ओवर दी वर्ल्ड, इंडिया से बाहर भी, तो आप देखेंगे टेराकोटा का बहुत ज्यादा उपयोग होता है मिट्टी के बने में जी। फिर आप आज कोई रेस्टोरेंट बड़े होटल में चल जाइए, वहां भी देखेंगे टेराकोटा। और अभी जैसे कि दुर्गा पूजा अभी तुरंत पार हुआ है, आपने उसमें भी गौर किया होगा कि मिट्टी के बर्तन में कसोरे में आजकल खिचड़ी का भोग लगता है भगवान का, उसमें आता है। तो जब कोई बड़ा से बड़ा आदमी व्यक्ति भी वहां आता है तो वो भोग उसी इसमें लेता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आज के दिन में फैशन या चलन चल पड़ा है कि जब आप कहीं जाते हैं तो फिरनी हो गया या कोई भी डिश हो गया, चुक्का चाय वाला करके आजकल एक चेन आउटलेट खुल गया है कि वो भी मिट्टी के ही कप में या बर्तन में दिया जाता है। तो अब क्या है कि ट्रेंड बहुत आगे निकल चुका है, यहाँ पर एक्सपोजर नहीं है कुम्हार को। इसके लिए मैं सरकार को थोड़ा बहुत दोषी मानता हूँ कि उनकी जो इकाइयां हैं जैसे झारक्राफ्ट, खादी ग्राम उद्योग, इस टाइप के जितने भी जो उनकी इकाई है उसमें इन लोगों को आने का मौका मिले और उसके आउटलेट जितने भी हैं झारखंड में उसे प्रमोशन हो, तो इससे काफी हद तक उनको सहूलियत मिल सकती है। तो प्रिंस जी क्या लगता है कि कुछ चीजें जो हैं, जैसे कि आधुनिकता का जो दौर है, हम उसमें कुछ ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जैसे दीपावली जो है वो सबसे बड़ा त्योहार होता है कुम्हारों के लिए। सब कुम्हार जो होते हैं वो इंतजार करते हैं कि ये एक ऐसा पर्व है जिस वक्त मैं सबसे ज्यादा दियों को बेच सकता हूं, लेकिन आज चाइनीज लाइट ने उसकी जगह ले ली है। इसका बहुत बड़ा कारण है हमारी संस्कृति की तरफ रुझान कम होना। भारतीय संस्कृति की तरफ रुझान जो कम होता नजर आ रहा है, आदमी आज चकाचौंध के पीछे भाग रहा है। वरना जो दिया, मिट्टी के दिए की जो खुशबू है वो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो संस्कृति भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके कारण कि आज कुम्हार अपेक्षित है खासकर त्योहारों में जी। संतोष कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेवीएम महासचिव हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर धन्यवाद। पलामू के जो कुम्हार हैं, या यूं कहें कि झारखंड के जो कुम्हार हैं, उनकी ऐसी स्थिति क्यों हो गई है कि आज बेचारे दाने दाने तक को मोहताज हो गए हैं? देखिए, वैसे तो साफ तौर से मैं यही कहूंगा कि आज जो हमारी संस्कृति है, हम उन उसको छोड़ करके, जो हमारी परंपरा रही उन सबको छोड़ करके हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ चुके हैं। और अभी आपकी मैं बात सुन रहा था, आपने कहा कि चाइनीज लाइटों ने उनका जगह ले लिया है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर चाइनीज लाइट ने उसका जगह ले लिया है तो उसकी मार्केटिंग होती होगी। आज हमारे कुम्हार भाई यहाँ पर कड़ी मेहनत के बाद दियों का निर्माण करते हैं, या गुड्डे गुड़ियों का निर्माण होती है, या कभी दिवाली पर देखते हैं लोग घोड़े वहां सब देखते हैं, छोटे पर से ही देखता है, लेकिन आज के डेट में वो चीज यहाँ पर नहीं मिलती है। सबसे बड़ा कारण है कि उसकी मार्केटिंग, और उसकी मार्केटिंग के लिए राज्य सरकार को सबसे पहले आगे आना चाहिए कि आज हमारे कुम्हार भाई बहन है जो कड़ी मेहनत करके, कड़ी धूप में बैठ करके, मैं अभी भी थोड़ी देर पहले एक जगह से क्रॉस कर रहा था तो वहां पे देखा था कि दिया बन रही थी जी। अब लेकिन वो बना तो रहे हैं, लेकिन वो कितनी बिकेगी डिपेंड ये करता है। तो राज्य सरकार को सबसे पहले तो चाहिए था कि उसकी आयोग का इन्होंने गठन तो कर दिया है, लेकिन आयोग की दिशा क्या होनी चाहिए राज्य सरकार अभी तक कोई नीति नहीं बना पाई है। संतोष जी, तो अभी प्रिंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाज सेवी के तौर पे वो कार्यरत हैं, तो उन कार्य करते हैं, तो उनका ये कहना था कि एक्सपोजर जो है वो नहीं मिल पा रहा है जो कुम्हार हैं, कि वो जो दीपक बना रहे हैं या वो जो मिट्टी के सामान बना रहे हैं तो उनके लिए मार्केट एक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है झारखंड में, आखिर ये क्या वजह है? मैं तो वही बात बोल रहा हूँ कि राज्य सरकार ने आनंद फानंद में आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन कोई नीति निर्धारण नहीं की गई कि इनका उत्थान हम कैसे करें। सिर्फ आयोग मात्र गठन कर देने से ही दो चार लोगों को आप उपकृत कर दें और पूरा पूरा समाज आज पीछे जा रहा है।
और यही वजह है कि आज उनकी स्थिति जो है वो दयनीय है। राजू जी, जिस तरीके की स्थिति है अभी फिलहाल, दीपावली में लोग दिया खरीदने तो आते हैं, क्योंकि पूजा के लिए जब जरूरत होती है तो चाहे दो दिया की जरूरत हो, चार दिया की जरूरत हो, वो खरीदने आते हैं। लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति के लिए वो खरीदने के लिए आते हैं, बस उतने भर तक ही चीजें सीमित रह जाती हैं। बात सही बोल रहे हैं राजू जी। हाँ सर, ऐसा है कि लोग जो है आते जरूर हैं, है ना, और खरीदते भी है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अभी लोगों का रुझान थोड़ा सा, भी जैसा कि मैंने की बोल रहे थे, एक समाज से संतोष जी भी इस बात को रख रहे थे, मैं सुन रहा था कि आज चाइनीज जो लाइटें हैं और आधुनिक जो चीजें जो आ जाने से निश्चित रूप से थोड़ा सा कमी आई है हम लोगों में। और दूसरी बात है कि लोगों का रुझान सब कम हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, ये बात हम मानते हैं, है ना। अभी जो बोल रहे थे बंधु जी कि आयोग झारखंड में, झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन तो हो गया है, लेकिन ये बात सही है कि अभी उसकी दिशा और इसकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। हेलो, है तो हम चाहेंगे कि यदि आयोग का गठन हो गया है तो सरकार उस पर फंड भी उपलब्ध कराए, ताकि हम लोग बाजार इस सब पर आयोग के माध्यम से एक उपलब्ध होने से, मतलब मिट्टी का बर्तन जो बन रहे हैं वो एक बाजार के माध्यम से बिके, तो एक हमें लगता है कुछ कुम्हारों को स्थिति में सुधार जरूर आएगा, स्थिति में सुधार हो सकती है। दीनदयाल वर्णवाल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। दीनदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद सर। अभी आप सुन भी रहे होंगे राजू जी को कि आखिर आयोग का गठन हो गया है, लेकिन कार्यप्रणाली जो है वो दिख नहीं रही है, ताकि कुम्हारों की स्थिति सुधरे। देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि मिट्टी के दिया हमारे संस्कार है और संस्कार से जुड़ा हुआ है, इसमें जन सामूहिक एक जन भावना को आगे बढ़ाना है। यह एक सरकार का निर्णय से नहीं हो सकता है, सरकार के साथ साथ अनेक संगठन, जितने भी संगठन हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को आगे आना पड़ेगा, ताकि हम अपने संस्कार से, हम अपने दीपावली का जो दिया के साथ, नाम ही दीपावली है, दिया के साथ जो हमारा संबंध रहा है उसको आगे बढ़ाना है। और मैं आपको ये बात बताऊं, क्योंकि लगेगा कि पिछले साल हमने चाइनीज का हमने विरोध किया था, मैंने पर्सनली, और आपको याद होगा कि सीपी सिंह जी और हम लोग सब मिलकर किरायालाल में दीपक बांटे थे। मैं जब दीपक खरीदने गया तो पूछा गया कितना दीपक चाहिए, तो मैंने बोला 1,00,000 दीपक चाहिए, तो बोला भैया ऐसा है कि इस साल इतना डिमांड है कि हम बना नहीं पा रहे हैं दीपक, क्योंकि वो तो फैक्ट्री नहीं है ना सर, वो तो हाथ से बनाना है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे जो उसमें हमको लगा कि जो दीपक है, दीपक जो है ये पूरी तरह से पिछले 5 वर्षों से के बाद से लगातार इसका मांग बढ़ा है और लोगों में रुझान भी आया है। और पिछले साल जब मैंने करीब 1,00,000 दिया को बांटा था, फ्रैला चौक पर, हरमू चौक पर, सभी जगह मैंने एक थैला में करके जब बांटा था, मतलब बांटना मींस ये था कि भाई एक सांकेतिक था कि अब आप दिया का उपयोग कीजिए, उपयोग करें, चाइनीज लाइटों का कम प्रयोग करें। राजू जी, क्या वाकई में पिछले, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पिछले साल, मैंने पिछले साल का बात कर रहा हूँ, मैं कई कुम्हार के यहाँ जाके सब 1,00,000 दिया मैंने जुगाड़ किया जी। तो कई, मैं मुझे जो एहसास हुआ और जो लोगों ने बताया कि कम से कम इस साल 3 गुना ज्यादा दिया की डिमांड जो है वो दिए की थी। राजू जी, क्या वाकई में पिछले 2-3 सालों में ऐसी स्थिति रही है कि दिए की मांग जो है वो बढ़ी है? हाँ सर, पिछले साल जो है इस साल से ये बात जुमने की न्यूज में आप लोगों के द्वारा और कुछ में अखबार में आने से लोगों का रुझान जो है थोड़ा सा मैंने की चाइनीज के तरफ कम होकर के दिए की तरफ लौटे हैं। ये बात सही है, है ना, ये बात सही है। और पिछले साल भी हम लोगों ने समाज से बहुत से लोगों से मिले, उन लोगों ने भी इस बात को बोला कि दिया हम लोगों का मतलब की खत्म हुआ है, है ना। ये बात सत्य है कि पिछले साल जो 2-3 साल से जो है ना कुम्हारों के दिए और की का जो डिमांड पहले की अपेक्षा से अधिक हुआ है, और पिछले साल लोगों का मैंने सहयोग भी रहा,
समाज के लोगों का और अन्य भी झारखंड के सभी लोगों का यानी कि देशवासियों का दिए के प्रति रुझान मैंने अधिक हुआ है और चाइनीज की लाइटों के प्रति लोग मत हुआ कम किए खत्म तो नहीं हुआ है कमी आई है जी। प्रिंस जी, जिस तरीके से पिछले साल भी हमने देखा था कि लोग सड़कों पर उतर रहे थे और चाइनीज लाइट का विरोध कर रहे थे, इस बार भी हमने देखा है कि शुरुआत एक तरीके से हो गई है। कई सारे सोशल साइट्स जो हैं वहां पे भी हम देख रहे हैं कि चाइनीज सामानों का विरोध हो रहा है। क्या ये विरोध वो जरिया है जिसकी वजह से स्थिति सुधारी जा सकती है किसानों की? चाइनीज लाइट ही एक कारण नहीं है मतलब आर्थिक स्थिति को ठीक करने का। अभी जैसे बारिश दिया की हो रही है तो क्या हम हर दिवाली में सिर्फ उसी टाइम कुम्हार को याद करते हैं जब दिवाली आती है? मेरा ये कहना कि दिया से ही वो अभी 15 दिन दिया बेच कर ही अपने बाकी 11 महीने की जिंदगी बिताते हैं, ये कारण नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि आज हर जगह बड़े से बड़े रिजॉर्ट में होटल्स में हर जगह घर के इंटीरियर में सब जगह और हमारी जो संस्कृति हमारे जो पहले भी जो घर मकान बनते थे सब में मिट्टी के सामानों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता था और बोतलों का। तो मेरा यही कहना है कि इसको बढ़ावा दिया जाए कि उनका 12 महीने बिजनेस हो सके, हर जगह से उपयोग हो सके। इसके लिए हमें जितने बड़े शोरूम हैं सरकारी इकाइयां हैं सब में इसको प्रमोट करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। झारखंड की जो कलाकृति है यहाँ के जो इसको बोलते हैं जो टैलेंट है ये सबको हमें बाहर दिखाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं, अगर आप देखेंगे मुंबई में यहाँ तक कि दुबई में भी जाएंगे तो झारखंड के जितने टैलेंट हैं वहाँ बैठ के वहाँ पर रिजॉर्ट और बड़े बड़े 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स में वो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ टेराकोटा और मिट्टी का बनावट। तो इसके लिए ये बहुत दुखद बात है कि झारखंड में झारखंड के लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन वही टैलेंट जब बाहर जाता है तो उसको इतना अच्छा एक्सपोजर मिलता है, यहाँ से 4 गुना ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केटिंग की कमी है लेकिन हम लोग भी बढ़ावा नहीं दे सकते। तो इसके लिए एक कमेटी गठित की जाए, छोटी सी कमेटी, बहुत बड़ी नहीं, साल भर भी अगर हम मेहनत कर लें तो बाकी ये गाड़ी स्थिति बेहतर की जा सकती है क्योंकि अगर आप कोशिश करते हैं तो चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। संतोष जी, जिस तरीके की स्थिति की हम चर्चा कर रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, खुद इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं राजू प्रजापति जी जो कि कुम्हार महासभा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है पिछले 2-3 सालों में दीयों की मांग जो है कुछ हद तक बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या जिस तरीके से सोशल साइट्स पर, जिस तरीके से सड़कों पर हम ये देख रहे हैं कि चाइनीज चीजों का विरोध हुआ, तो दीपावली में इस वजह से दीयों की मांग बढ़ने की और भी संभावनाएं हैं, इससे स्थिति बेहतर हो सकती है कुम्हारों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि जो सोशल साइट्स की आप बात कर रहे हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर में जो आज मामला आ रहे हैं, मैं भी रोज पढ़ता हूँ उसको, चलाने उसके पीछे चलाने वाले कौन है पहले तो ये आप देखो। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा मैंने विषय से विषयांतर करना चाहूंगा, थोड़ा सा वक्त लूंगा मैं आपका, कि उसको आज कौन चला रहा है पीछे से? एक समूह है जो इस चीज को दिखाता है, उस चीज को करता है, लेकिन सिर्फ 1 महीने, वो सारे पूरे 12 महीना इस चीज को क्यों नहीं करता है? लोगों का सिर्फ मानसिकता को बदलने का प्रयास करता है। दीनदयाल वर्णवाल जी भी बोल रहे थे कि पिछले साल हमने 1 लाख दिया का खरीदारी किया, कहीं दिया खत्म भी हो गया। बहुत अच्छी बात है, मैं तो दीनदयाल जी को साधुवाद देना चाहूंगा जो आपने दिया खरीद करके बांटने का प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास आप 12 महीना क्यों नहीं करते? राज्य सरकार इससे पीछे नहीं हट सकती। मैंने पहले ही कहा कि नीति आपने बनाई नहीं, आयोग का गठन आनन फानन में आप कर देते हो, आपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को आप उपकृत कर देते हो, लेकिन उसके माध्यम से आप क्या समाज को कोई दिशा दे पाए? आज तक कोई नीति बन पाई? नीति नहीं बन पाई। तो आखिर ऐसा क्यों, उनके साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? मैं तो प्रिंस जी की बातों से भी इत्तेफाक रखता हूँ, वो सही बोल रहे थे कि आज 1 महीने का काम करके वो 12 महीना कैसे अपना घर चला पाएंगे? ये 12 महीने चीजें होनी चाहिए ताकि उनके सामने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल। दीनदयाल जी, जिस तरीके से बात ये कही जा रही है कि सिर्फ 1 महीने क्यों, हम 12 महीने क्यों नहीं ऐसा करते, लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम ये अक्सर देखते हैं कि दीपावली का मौका हो या कोई भी ऐसा पर्व त्योहार आता है, उस दौरान जितने भी पार्टियों के कार्यालय होते हैं वहां हमें वही चाइनीज लाइट दिखते हैं, हमें
भारतीय संस्कृति के वो दीपक नहीं दिखते हैं। और उसके अलावा हम इन चीजों को देखते हैं कि जितने भी सरकारी भवन होते हैं वहां चाइनीज लाइट ही लटक रहे होते हैं। क्या हम, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, क्या उम्मीद करें कि इस बार के दीपावली में बीजेपी कार्यालय में वही दीपक जलेंगे? देखिए, ये कुछ बातें दो तरह की बातें इसमें आती है। पहली बातें ये आती है कि मिट्टी के दिया को हम लोग कितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है, हम कितना इसको प्रमोट करें ताकि जो गांव में रोजगार है और उसको बढ़ावा मिले। एक बात हुई। दूसरी बात हुई, चाइनीज को आप खुलेआम विरोध नहीं कर सकते हैं, पब्लिक विरोध कर सकती है, सरकार विरोध नहीं कर सकती है। उसका भी सरकार की, इसी वजह से तो मैंने कहा सरकारी भवन की मैंने बात नहीं की, मैंने बीजेपी कार्यालय की बात की। इसीलिए मैं नहीं नहीं चीज कहा, देखिए आप पहले अभिषेक जी समझने का प्रयास कीजिए। हम हर घर में, हर घर को आज के समय में हमको लगता है कुछ ना कुछ सजाएं, दीपक के साथ साथ कुछ लाइट भी जलाएं। आज लाइट का ऑप्शन हमारे पास बहुत कम रह गया है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो, अगर आप इंडियन भी खरीदेंगे तो लगेगा चाइनीज है, और चाइनीज भी खरीद रहे हैं तो लग रहा है कि पता नहीं चाइनीज है या इंडियन है, कुछ ऐसा मिक्सिंग हो गया। इसलिए ये छाट पाना बड़ा मुश्किल है कि वो चाइनीज है, इंडियन है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है कि कहाँ का मैन्युफैक्चर है, यहाँ असेंबल है या क्या है। इस विषय पे जाना हमको लग रहा है कि नहीं सर, मैं सीधा सा पूछ रहा हूँ बीजेपी दफ्तर पे, सर सीधा सा सवाल है, बीजेपी दफ्तर पे भारतीय दिए जलेंगे? भारतीय दिया जरूर जलेंगे बीजेपी कार्यालय में। यही चीज मैं संतोष जी से भी जानना चाहूंगा। संतोष जी, जेवीएम के दफ्तर पे क्या जो कार्यालय है वहां भारतीय दिए जलेंगे? मैं आपको बताऊं कि विगत वर्ष की बात ही मैं बताता हूं आपको। आप अगर आपके पास में विजुअल होगी, सुजीत जी हमारे आपके संवाददाता हमारे पास आए थे, तो आप देख सकते होंगे कि पिछले बार भी हम लोगों ने दिया जलाया था, ना कि किसी भी प्रकार का लाइट लगाई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, और उम्मीद यही होगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को कहा है, जनता से अपील की है कि भारतीय दिए जलाएं ताकि जो कुम्हारों की स्थिति है वो तो बेहतर हो ही, साथ ही साथ हमारी जो परंपरा है वो बची रही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, और राजीव रंजन जो हमारे संवाददाता हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद यही होगी कि इस बार की दीपावली में भारतीय दिए जो हैं, जो कुम्हार बनाते हैं, वो जलाएं, क्योंकि इसका पौराणिक महत्व भी है और साथ ही साथ ये हमारी परंपरा भी रही है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप बने रहें न्यूज इंडिया के साथ, नमस्कार। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।